अच्छा ठीक है बेटा, कल हम लोगों ने ना ये सिंपल एप्लीकेशन बायोटेक देखा था, बायोटेक की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, कल बेसिक बेसिक बातें पढ़ी हम लोगों ने, ये भाई जीएम क्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है, और गोल्डन राइस के बारे में बस। कल जो अच्छा ये इम्पोर्टेंट था कि जीएमओ ट्रांसजेनिक्स की एडवांटेजेस क्या होती हैं, 5 पॉइंट बताए थे, ये इम्पोर्टेंट है, तुम्हें आने चाहिए बेटा बोर्ड के लिए, दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्लांट्स को हम एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंट बना सकते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होते प्लांट्स, और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होते हैं वो कम रहते हैं, मिनरल यूज एफिशिएंसी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम लोगों ने ये सब कल पढ़ लिया था। तुम लोगों को मैंने एक चीज़ और बताई थी, याद हो किसी को, हिरोडिन, हिरोडिन जो हमने जीन निकाला था वो किस यस प्लांट में सर, डाला था, कोई बता यस सकता सर, है? ब्रासिका सर नेपस, सर ब्रासिका नेपल्स प्लांट, प्लांट, ब्रासिका नेपल्स, ब्रासिका ब्रासिका नेपल्स, ब्रासिका नेपल्स, राजकुमार का माइक ऑन है, माइक ऑन है इसका, राजकुमार ऑफ करना माइक। अच्छा हम लोग बेटा आज जो पढ़ेंगे, जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डेट इज द बायोटेक एप्लीकेशन एग्रीकल्चर, पढ़ी रहे थे तो वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, मैं आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ बीटी कॉटन के बारे में बताने जा रहा हूँ, बीटी कॉटन। ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर ही है जो हम डिस्कस कर रहे थे, उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। तो बीटी कॉटन, बीटी स्टैंड्स फॉर बेसिलस थुरिंजिनेसिस, बेसिलस तुम लोगों ने पढ़ा था, बेसिलस थुरिंजिनेसिस माइक्रोब्स में, याद है? तो बीटी का स्मॉल मतलब, प्रोटीन मोस्ट हाँ 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 अब सुनिए, ये बेसिलस थुरिंजिनेसिस एक बैक्टीरिया बेटा। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बीटी कॉटन। अब ध्यान से सुनेंगे इस बात को, पहले मैं समझाऊंगा यहाँ पर, इसको अच्छे से समझेंगे फिर हम इसको कुछ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से, सबका टेंशन होना चाहिए बीट स्क्रीन पे। बीटी कॉटन, बेसिलस थुरिंजिनेसिस, बीटी का मतलब होता है बेटा बेसिलस थुरिंजिनेसिस, ये एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में क्या खास बात है, इस बैक्टीरिया के अंदर ना एक जीन मिलता है, उस जीन का नाम है क्रायोजीन, क्रायोजीन, क्राय को मैंने स्मॉल सी से लिखा है, तो मतलब ये जीन का नाम है, जब जीन का नाम लिखेंगे तो स्मॉल सी से लिखेंगे। क्राय का मतलब एक्चुअली क्रिस्टल है, क्राय का नाम क्रिस्टल से लिया है, क्राय क्रिस्टल वर्ड से लिया गया है, क्राय, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया के अंदर बेटा एक जीन है जिसका नाम है क्रायोजीन। अब ये क्रायोजीन क्या करता है, ये क्रायोजीन जब एक्सप्रेस करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, तो क्राय एमआरएनए बना लेगा, क्या राइट प्रोटीन, क्राय, हाँ बेटा ये, हाँ जब ट्रांसलेशन करेगा तो बेटा ट्रांसलेशन करने पे ना एक प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन का नाम है क्राय प्रोटीन। अब देखो तुम अगर देखोगे तो यहाँ पे क्राय मैंने कैपिटल लेटर से लिखा है, सी है ना, तो वहां पे जो जीन लिख रहा था मैं स्मॉल लेटर से लिख रहा था, लेकिन जब मैंने प्रोटीन लिखा तो कैपिटल सी लिख दिया, ठीक है। तो प्रोटीन को हम कैपिटल सी से लिखते हैं, मतलब क्रिस्टल प्रोटीन है ये। अब सुनो, तो बैक्टीरिया के अंदर ये जीन होता है, और बैक्टीरिया ऐसा काम करता है, ये क्राय प्रोटीन ना एक्चुअली ये एक प्रोटोटॉक्सिन है, प्रोटोटॉक्सिन, पेस्ट की स्ट्रेमल वॉल में जाके अटैक करता है। हाँ, ये प्रोटो का मतलब क्या हुआ, वहां पे प्रोटो जैसे तुम लोगों ने पढ़ा था ना, प्रोटो प्रोटो मतलब ये अभी जो टॉक्सिन है ना इस बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, क्योंकि भाई बैक्टीरिया के इनएक्टिव है अंदर, सर। हाँ एग्जैक्टली, ये अभी इनएक्टिव है। तो जो बैक्टीरिया है बेटा, बैक्टीरिया बना तो रहा है क्राय प्रोटीन, लेकिन ये क्राय प्रोटीन जो टॉक्सिन है ये, हाँ बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बैक्टीरिया इससे कुछ नहीं होगा, तो बैक्टीरिया को नुकसान नहीं है, तो बोल सकते हैं इसको हम ना एंडोटॉक्सिन भी बोलते हैं, एंडोटॉक्सिन। अब सुनो, अब बायोटेक का रोल देखो, बायोटेक ने क्या काम करा, बायोटेक क्या है भाई, हम लोगों को फायदा हो बस। तो अब हम अब ये बीटी बेसिलस थुरिंजिनेसिस को पकड़ लिया, ठीक है, बेसिलस बेसिलस थुरिंजिनेसिस को तो पकड़ लिया गया है, ठीक है, बेसिलस थुरिंजिनेसिस को पकड़ लिया। हाँ अब ध्यान सुनेंगे, तो बेसिलस थुरिंजिनेसिस को हमने कैप्चर कर लिया, अभी कैप्चर क्या है, इसको हमने लैब में, इसको हमने कल्चर कर दिया लैब में, इसको हमने ले लिया। अब इससे हमने, इस बैक्टीरिया से ना जीन आइसोलेट कर लिया, और जीन का नाम है क्राइजीन,
मॉल सी से क्राइजीन को हमने आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट हम कर सकते हैं बेटा, तुम लोगों को पता है कैसे कर सकते हैं, हमने प्रोसेस तो पढ़ लिया ना सारा। बैक्टीरिया का पूरा न्यूक्लियोइड निकाल लेंगे, उसके अंदर जो स्पेसिफिक जीन रिस्ट्रिक्शन जेम से कट करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से निकाल लेंगे, तो पता ही है तुम लोगों को। क्राइजीन आइसोलेट कर लिया और इस क्राइजीन को आइसोलेट करके ना हमने वेक्टर में डाल दिया, वेक्टर में डाल दिया मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया, कर सकते हैं ऐसा। अब हमने क्या काम किया बेटा, ये बना लेते हैं, चलो ये वेक्टर था और इसमें हमारा क्राइजीन आ गया, ये हमारा क्राइजीन है, स्मॉल सी आर वाई क्राइजीन है ये, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हमने क्या काम किया, इस क्राइजीन को ना इस वेक्टर को हमने प्लांट में डाल दिया, कॉटन प्लांट में, गॉसिपियम में, गॉसिपियम कॉटन होता है ना, तो वहां पे कॉटन में डाल दिया, ये कॉटन था सपोज करो, इसके अंदर डाल दिया, वेक्टर के थ्रू आ गया। अब ध्यान से सुनना, अब क्या होता है यहाँ पर, ये वेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है, क्लोन भी कर रहा है और एक्सप्रेस भी कर रहा है, तो यहाँ पर क्राइजीन ना इस कॉटन प्लांट में एक्सप्रेस करेगा। जब क्राइजीन इस कॉटन प्लांट में एक्सप्रेस करेगा तो ये क्राई प्रोटीन नाम की कॉटन प्लांट में बनेगी, क्राई प्रोटीन कहाँ बनेगी, कॉटन प्लांट में मिलेगी। अब कोई इंसेक्ट, ध्यान से सुनेंगे, अगर कोई इंसेक्ट, कोई सपोज करो कोई इंसेक्ट, छोटा सा कोई इंसेक्ट इसको खाने आ रहा है, इंसेक्ट कोई इस पे अटैक कर रहे हैं कोई इंसेक्ट्स, तो अब क्या होगा, इंसेक्ट्स जब इसको अटैक करेंगे खाएंगे, तो इस कॉटन प्लांट में कौन सी प्रोटीन है, क्राई प्रोटीन नाम, तो ये जो क्राई प्रोटीन है, ये इंसेक्ट का गट बनाया मैंने, तो ये क्राई प्रोटीन है, ये इसके गट में जाएगी, किसके गट में गई, इंसेक्ट, ये इंसेक्ट का गट है, ठीक है, ये मैं यहां लिख देता हूँ, ये किसका गट है, इंसेक्ट का गट ऑफ इंसेक्ट, तो ये क्या आ गई, क्राई प्रोटीन। तो इंसेक्ट के गट में ना एल्कलाइन पीएच होता है बेटा, वहां का जो इसका जो गट होता है वहां पे पीएच कैसे रहता है, एल्कलाइन पीएच। तो इस एल्कलाइन पीएच पे ये जो क्राई प्रोटीन थी, जो प्रोटोटॉक्सिन था, वो एक्टिव हो जाएगी। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ऐसे बना देते हैं कि ये गट था इंसेक्ट का, उसमें क्राई प्रोटीन आ गई थी, क्योंकि इसके गट का जो पीएच होता है वो एल्कलाइन रहता है, तो इस एल्कलाइन पीएच के कारण, ड्यू टू एल्कलाइन पीएच, ड्यू टू एल्कलाइन पीएच, क्राई प्रोटीन बिकम एक्टिव, क्राई प्रोटीन एक्टिव हो जाती है, ठीक है, मतलब टॉक्सिन बन जाती है, प्रोटोटॉक्सिन था, क्या बन गई, टॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन, डेल्टा एंडोटॉक्सिन भी बोलते हैं इसको, एंडोटॉक्सिन। अब ये टॉक्सिन क्या काम करेगा, ध्यान सुनेंगे, ये एक्टिव हो गया, क्राई प्रोटीन एक्टिव हो गया, तो जो उसका गट था ना, इसका गट था, इसके गट के एपिथेलियल सेल में पोर्स कर देगा टॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन क्रिएट्स पोर्स इन द गट एपिथेलियल, इन द एपिथेलियल, एपिथेलियल वॉल ऑफ गट, एंडोटॉक्सिन क्रिएट्स पोर्स इन द एपिथेलियल वॉल ऑफ इंसेक्ट गट। जब ये छोटे छोटे छेद हो जाएंगे, इसमें पोर्स हो जाएंगे, तो क्या होगा, ध्यान सुनना, पोर्स हो जाएंगे तो जो इसका वाटर है, इसके फ्लूड है, बॉडी फ्लूड सब अंदर आएगा, जिसकी वजह से इसकी लाइसिस हो जाएगी, तो लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया ऑफ इंसेक्ट, लाइसिस ऑफ इंसेक्ट अकर्स, और इंसेक्ट मारा गया। जब इंसेक्ट मारा गया, अब ये जो इंसेक्ट जो अटैक कर रहे थे गॉसिपियम पे, अब इंसेक्ट गॉसिपियम पे अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि भाई मरने थोड़ी ना आ रहे हैं उन्हें। तो अब मुझे बताओ, ये जो प्लांट बनाया है हमने गॉसिपियम, क्या हमने इसमें कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे करी, कोई केमिकल स्प्रे किया, नहीं किया, लेकिन तो भी ये अब, हाँ, तो भी अभी इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो गया। तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, और ये बीटी कॉटन का हमने कंसेप्ट समझाया, कि हमने बैक्टीरिया की जीन को यूज किया और प्लांट में एक्सप्रेस करा दिया, और प्लांट को हमने, मतलब बैक्टीरिया की जो पावर थी, जो उसकी टॉक्सिन की पावर थी, वो प्लांट में हमने शो करा दी, जिसके कारण अब वो प्लांट जो होते हैं वो बच गए इंसेक्ट से, बिना हमने इंसेक्टिसाइड स्प्रे किए प्लांट को, कॉटन प्लांट को इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट बना लिया हमने। तो यही एप्लीकेशन है बायोटेक की। एक बार कुछ पॉइंट्स मैं लिखता हूँ,
इसको खत्म करेंगे। सुना तो सिंपल सिंपल जो मैं पॉइंट है जो तुम्हें लिखने होंगे मैं फटाफट से बोलता हूँ। बैक्टीरिया जो होता है बेटा मैं लिख देता हूँ, बीटी बेसिलस थोरिनजेनेसिस, बेसिलस थोरिनजेनेसिस, बेसिलस थोरिनजेनेसिस, ठीक है, प्रोड्यूसेस टॉक्सिन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट, सर्टेन इंसेक्ट सच है। कौन कौन से इंसेक्ट को वो मारता है मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बेटा इसको। सच है, मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, लैपिडोट्रेवेंस, लैपिडोट्रेवेंस में बेटा आता है टोबैको, टोबैको बर्ड वॉर्म आता है और आर्मी वॉर्म आता है। लैपिडोट्रेवेंस को मार देता है ये, कॉलियोप्टेरेंस को भी मार देता है, कॉलियोप्टेरेंस, कॉलियोप्टेरेंस में बेटा बीटल्स आते हैं, बीटल्स, ये डायप्टेरेंस को भी मार देता है, डायट्रम्स में ये मस्कीटोज फ्लाइज आते हैं, फ्लाइज मस्कीटोज आते हैं, तो ये इतने ग्रुप इंसेक्ट्स को मार देता है, ठीक है। अच्छा अब सुनो, ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो होगा बेसिलस थोरिनजेनेसिस होता है ना, जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, सबको आना चाहिए। जो बेसिलस थोरिनजेनेसिस होता है मैं लिख देता हूँ, ऐसे लिखते हैं, बीटी टॉक्सिन, वी हैव बेसिलस थोरिनजेनेसिस फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल, प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ पीरियड, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है वो, ठीक है, ये जो क्रिस्टल होते हैं बेटा ये क्रिस्टल में ही टॉक्सिक नेचर होता है, तो लिख देता हूं, दीज क्रिस्टल प्रोटीन, दीज क्रिस्टल प्रोटीन हैज इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी, ठीक है, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है इनमें, ठीक है। अच्छा इंसेक्ट्स में ये कैसे रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में, मैंने बताया था जो इंसेक्ट सॉरी बैक्टीरिया के अंदर, सॉरी बैक्टीरिया के अंदर कैसे रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में, तभी तो बैक्टीरिया को बैसिलस थोरिनजेनेसिस को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन इंसेक्ट में अंदर जाते ही ये एक्टिव हो जाता है। क्यों एक्टिव हो जाता है, क्योंकि गट में एल्कलाइन पीएच होती है, तो ये हम पॉइंट लिख रहे हैं, द बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट as inactive prototoxin, ठीक है, in बीटी टॉक्सिन exists as inactive prototoxin in bacteria, bacteria के अंदर ये ऐसे रहता है, ठीक है, लेकिन ये active कब होता है तुम्हें बताया, ये active कब होता है, due to the alkaline pH of the gut of insects, लिख देता हूँ next point ये होगा, prototoxin converted into active form of toxin due to alkaline pH of the gut of insect, ठीक है, ये जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ मिड गट एपिथेलियम, बेटा मिड गट क्रिस्टल फॉर्म में होता है या फिर बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में क्रिस्टल फॉर्म में है, लेकिन जब गट में आएगा तो ये क्रिस्टल फॉर्म सोल्यूबलाइज हो जाएगा एल्काइन पीएच की वजह से। एक्टिव टॉक्सिन बाइंड लिखा ना, कन्वर्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू द एल्काइन पीएच ऑफ द गट ऑफ इंसेक्ट, एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, ये क्रिस्टल सोल्यूबलाइज हो जाता है, क्रिस्टल सोल्यूबलाइज ड्यू टू एल्काइन पीएच,
जब ये क्रिस्टल सोल्युबलाइज हो जाएगा तो वो टॉक्सिन एक्टिव हो जाएगा. जब ये टॉक्सिन एक्टिव हो जाएगा तो एक्टिव टॉक्सिन बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियम ऑफ इंसेक्ट एंड क्रिएट स्पोर्स. छेद कर देगा एंड क्रिएट स्पोर्स. ठीक है, पोर्स बना देगा. डेट कॉजेस स्वेलिंग. डेट कॉज बॉडी फ्लूड अंदर आ जाएगा. डेट कॉजेस स्वेलिंग एंड लाइसिस. लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन. एंड लाइसिस ड्यू टू विच डेथ अकर्स. ड्यू टू विच डेथ अकर्स. इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी. ठीक है, तो कहानी क्या थी? कहानी एक बार लिख देते हैं. कहानी ये थी, क्रायजीन को हमने निकाला. क्रायजीन एनकोड करता है प्रोटीन को. जब क्रायजीन एक्सप्रेस करेगा तो एक क्रिस्टल बनाता है. क्रिस्टल, ये क्रिस्टल जो होता है प्रोटीन है, प्रोटीन का क्रिस्टल है. ठीक है, इसको प्रोटोटॉक्सिन बोलते हैं. प्रोटोटॉक्सिन इनएक्टिव है अभी. ठीक है, अब हमने क्या काम किया, इस क्रायजीन को आइसोलेट कर लिया. क्रायजीन को हमने आइसोलेट कर लिया थ्रू वेक्टर. हमने कहाँ डाल दिया? हमने डाल दिया प्लांट्स में. ठीक है, अब प्लांट्स प्लांट्स में ये एक्सप्रेस होने लगा. क्रायजीन एक्सप्रेस इन प्लांट्स. अब क्या होगा, अगर इंसेक्ट आएगा प्लांट पे तो ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट ऑफ इंसेक्ट. गट ऑफ इंसेक्ट क्रिस्टल प्रोटीन सोल्युबलाइजेस. सोल्युबलाइज हो जाएगा क्रिस्टल प्रोटीन. आगे टॉक्सिन बिकम एक्टिवेटेड. एक्टिवेटेड टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या कर देगा, मिड गट में पोर्स कर देगा. क्रिएट्स पोर्स इन द मिड गट. इन द मिड गट ऑफ इंसेक्ट. ठीक है, और जिसके वजह से स्वेलिंग और लाइसिस हो जाएगी. स्वेलिंग एंड लाइसिस ऑफ इंसेक्ट. इंसेक्ट मारा गया. तो ये था पूरा कंसेप्ट. बेटा इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे. नहीं पूछना, चलो ठीक है. अब सुनो आगे. अब ये जो एक्चुअली बेसिलस थुरिंजियस क्राय जो वर्ड था मैंने तुम्हें बताया, क्राय कहाँ से लिया गया है? क्रिस्टल से लिया गया है. ठीक है, अब ध्यान सुनना कुछ बातें जो नोट डाल के मैं लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्रायजीन, देखो बेसिलस थुरिंजियस के भी ना अलग अलग स्ट्रेन होती है जिनसे अलग अलग हमें क्रायजीन मिल जाते हैं. जैसे मैं बताता हूँ, एक क्राय, ये बहुत पूछता है बेटा एग्जाम में, क्राय वन ए सी एंड क्राय टू ए बी. ये जीन का नाम है क्राय वन ए सी एंड क्राय टू ए बी. ये किन इंसेक्ट्स को कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें याद ही करना पड़ेगा. कंट्रोल्स कॉटन बॉल वॉर्म्स. ये कॉटन बॉल वॉर्म्स को कंट्रोल करता है. तो इसमें कई क्वेश्चन आए हुए हैं, तो एक तो ये पॉइंट तुम्हें याद करना होगा. दूसरा पॉइंट जो तुम्हें याद करना होगा, एक होता है क्राय वन ए बी. क्राय टू ए बी तो लिख दिया ना, एक लिखेंगे क्राय वन ए बी. ये जो क्राय वन ए बी जीन है, ये कॉर्न बोरर्स को रोकता है. कंट्रोल्स कॉर्न बोरर. इंसेक्ट्स हैं ये, तो ये कॉर्न बोरर्स को रोकता है. इस नोट वाले पॉइंट पे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो कई बार पूछ लेते हैं कि कॉटन बॉल वॉर्म्स को कौन सा जीन रोकेगा, या कई बार जीन का नाम दे देता है तो पूछेगा वो किसको रोकेगा. तो तुम्हें याद करना पड़ेगा क्राय वन ए सी और क्राय टू ए बी. और दूसरे में क्राय वन तो लिख दिया, यहाँ पे ए सी की जगह ए बी लिख दो, क्राय वन ए बी. तो कौन बोरर्स को रोकेगा, ये इंसेक्ट का नाम है. ये पॉइंट तो हमें याद करना ही पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको तो छोड़ ही नहीं सकते. ठीक है, अच्छा ये बात तो हो गई है.
तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि हम लोगों ने आजकल कॉटन बीटी कॉटन की जगह बीटी टोबैको भी बना लिया है, बीटी सोयाबीन भी है, ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने बनाया था बीटी बीटी टोबैको बनाया था, बीटी टोबैको सबसे पहले बनाया था हमने, ठीक है, बीटी कॉटन भी है हमारे पास, बीटी सोयाबीन भी है, बीटी टोबैको भी है, तो बीटी क्या है, बीटी बेसिलस थुरिंजियेंसिस से है, कंसेप्ट वही है, ठीक है, ये सारा पॉइंट हो गया हमारा। अच्छा अच्छा, अगर कोई सपोज करो बीटी सोयाबीन है, बीटी सोयाबीन, ठीक है, बीटी सोयाबीन से हमें सोयाबीन मिल रहा है, सोयाबीन तो फूड है ना, तो इस फूड को बोलते हैं हम जीएम फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जैसे गोल्डन राइस एक जीएम फूड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, ठीक है। तो बेटा ये पूरा का पूरा कंसेप्ट हो गया हमारा बीटी वाला, बेसिलस थुरिंजियेंसिस का। किसी को कुछ पूछना है इसमें पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़े। यस सर, ठीक है, तो इस... हाँ, सर, हाँ बोलो सर, बीटी सोयाबीन में मतलब हम वो डाल रहे हैं क्रायजीन अपना, हाँ बैक्टीरिया का डाल रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि वो क्रायजीन हमारे अंदर भी आ जाए, हमारे अंदर कैसे आ जाएगा, सोयाबीन से हमें को क्या इंसेक्ट खाते हम भी तो सोयाबीन खाते हैं, हमारे अंदर सोयाबीन खाते हैं लेकिन हमारे अंदर वो आएगा भी, तो मैंने बोला ना केवल इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिन है, और हमारे गट में पीएच क्या होती है तुम बताओ, हाँ सर 1-2 होती है, हाँ तो वहाँ पे सर्वाइव नहीं करेगा, सर इतने हल्केटेड प्रोटीन से हमारी स्टमक क्लीन होता भी, हाँ कुछ भी नहीं होने वाला, हम खाएंगे तो हमें कोई नुकसान, लेकिन नुकसान क्या है जीएम फूड का, नुकसान क्या होता है जीएम फूड का, नुकसान ये है बेटा कि वही एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेगा, जो उनके पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, मे टॉक्सिक टू द अदर अदर ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और दूसरी बात क्या होती है कि ये जो हमारा, मैं क्या बता रहा था, और सुपर वीड वाला कंसेप्ट तुम्हें बताया था शायद मैंने, यस सर, सुपर वीड का बन जाना ये थोड़ा खतरनाक बात हो जाती है, ठीक है। खैर देखो बीटी कॉटन के बारे में यहाँ पे इन्होंने एनसीईआरटी क्या बोलती है, फटाफट से मेरे साथ रीड कर लेना, हमने टॉपिक तो पढ़ लिया बेटा, ये Some strains of Bacillus thuringiensis produces proteins that kill certain insects. जैसे ये हमें पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, लेप्टोप्टेरेंस टोबैको बडवॉर्म आर्वीवॉर्म, कॉलिप्टेरेंस बीटल्स और डायप्टेरेंस फ्लाइज़ मॉस्किटो। बीटी फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल्स ड्यूरिंग पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था ना एक प्रोटीन बनाती है अपने ग्रोथ के दौरान, तो किसी एक पर्टिकुलर फेज पे, अब ये फेज कौन सा उन्होंने नहीं दिया हुआ, तो इस पर अगर कोई स्टेटमेंट आती है तो करेक्ट होगी। These crystals contain toxic insecticidal protein. Why does this toxin not kill the bacillus? क्यों नहीं kill करता bacillus को, तुम्हें कारण पता है? क्योंकि उसके form में, उसके body में कैसे रहता है? Prototoxin की form में, inactive होता है. Actually, the BT toxin protein exists in inactive prototoxin, but once insect digests the inactive toxin, it is converted into an active form of toxin due to the alkaline pH of the gut. बताया था तुम्हें. Which solubilize the crystal, ये भी बताया था कि वो जो alkaline pH crystal को solubilize कर देगी। The active toxin binds to the surface midgut, ध्यान रखना midgut, epithelium cells, and creates spores that causes swelling and lysis. That causes swelling and lysis, eventually death of the insect. बस बाकी ये सब दिया गया है कि cry1ac, cry2ab और क्राई वन ए बी के एग्जाम्पल मैं तुम्हें समझा दिए थे, ठीक है, तुम्हें लर्न करने ही होंगे, तो इसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है। ये देखो क्या ये फिगर क्या दिखा रही है, एक बार देखेंगे, ये फिगर शो कर रही है, ये जो ए वाली फिगर है, ये वाली, इसमें बॉल वॉर्म अटैक किया हुआ है और ये फुली मैच्योर बीटी कॉटन है। अब मुझे बताओ फर्क तो दिख ही रहा है, जिसने बॉल वॉर्म ने अटैक किया तो खत्म ही है, कॉटन के फाइबर्स दिख ही नहीं रहे तुम्हें ए वाले में, लेकिन बी वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बी वाला तो आराम से रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हो गया, तो हमने एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक में जो हम पढ़ रहे थे, हम लोगों ने ये बी टी कॉटन पढ़ लिया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बैसिलस थुरिंजियेंसिस वाला। अब आगे बढ़ते हैं एक बार, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, आगे जो टॉपिक है वो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स है, तो ये भी एग्रीकल्चर में ही आ गया, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। देखो अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसा आता है
कि भाई एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर. तो सबसे पहले तो हम लिख सकते हो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स. इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स कौन से लिखोगे? बीटी कॉटन. ठीक है, तो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स बीटी कॉटन एक्सप्लेन कर सकते हो. दूसरा तुम लिख सकते हो भाई वो वाला बताया था तुम्हें गोल्डन राइस, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा दी ना गोल्डन राइस, कैरोटीन जीन लिया डेफोडिल से, विटामिन ए कर देता है. दो पॉइंट. तीसरा पॉइंट तुम लिख सकते हो ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट जो हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, अब ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स हैं क्या, कैसे होते हैं, अब सुनना ध्यान से, सबका अटेंशन होना चाहिए तभी समझ आएगा ये. ठीक है, अच्छे से समझना भाई. पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स क्या होते हैं, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ. पहला पॉइंट ही है, इस पे क्वेश्चन जो आता है सेवरल निमेटोड्स, इस पे क्वेश्चन आता है बेटा, एनसीईआरटी का ही पॉइंट है. सेवरल निमेटोड्स पैरासाइट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स कॉमा एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस. ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया था. क्या क्वेश्चन आया था मैं अभी बताऊंगा. ठीक है, अब सुनो, एक निमेटोड है, एक निमेटोड है, निमेटोड, निमेटोड पढ़ा है ना प्लांट किंगडम में? यस सर. निमेटोड एस्केलमेंथिस, एस्केलमेंथिस राउंड वॉर्म्स. और हां सर प्लेटफॉर्म तो प्लेटी में है. हाँ गुड. एक निमेटोड है, उस निमेटोड का नाम है बेटा, ध्यान सुनेंगे, मिलोइडिग्ने इनकॉग्निशिया. ये नाम है निमेटोड का. ठीक है, ये नाम याद रखना पड़ेगा एनसीईआरटी में, मिलोइडिग्ने इनकॉग्निशिया. ये निमेटोड क्या करती है सुनेंगे, मिलोइडिग्ने इनकॉग्निशिया ये क्या काम करती है, ये टोबैको प्लांट्स, जो टोबैको प्लांट्स होते हैं ना, टोबैको प्लांट्स में जाएगी, इनफेक्ट टोबैको प्लांट्स की रूट्स में जाएगी और टोबैको प्लांट के रूट्स को इन्फेक्ट कर देगी, जिसके कारण टोबैको प्लांट की ईल्ड ना बहुत कम हो जाएगी. टोबैको प्लांट की ईल्ड क्या हो जाएगी, रिड्यूस. तो ये तो दिक्कत है भाई, जो टोबैको की फार्मिंग करते हैं उनको तो दिक्कत हो गई ना. अब उनको मेलाडिना इनकॉग्निशन ने टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट कर दिया, तो उनकी टोबैको की ईल्ड नहीं हुई, तो उनको अर्निंग कहाँ से मिलेगी. तो क्वेश्चन क्या आया था कि निमेटोड्स ओनली अफेक्ट्स द टोबैको प्लांट्स, या निमेटोड्स ओनली अफेक्ट्स द प्लांट्स ओनली, या निमेटोड्स कैन अफेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स नॉट ह्यूमंस. दूसरा, चौथा, निमेटोड्स कैन अफेक्ट प्लांट्स एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस. तो पहला ऑप्शन सही है, येलो ऑप्शन सही है ना. हाँ, तो इस लाइन से क्वेश्चन हो जाता है ये. ठीक है, खैर ये क्वेश्चन आया था जो तुम्हें समझाया मैंने. ओके, तो मेलाडोना इनकॉग्निशिया निमेटोड का नाम है, टोबैको प्लांट की रूट्स में जाएगी, इन्फेक्ट कर देगी और टोबैको प्लांट की यील्ड को कम कर दिया, दिक्कत हो गई. अब इस दिक्कत को कैसे सुधार सकते हैं, इस दिक्कत को सुधारने का तरीका क्या है, सुनो, बायोटेक ने क्या काम किया. अब आ गई बायोटेक पिक्चर में. बायोटेक का कंसेप्ट क्या है भाई, हम लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए, हम लोगों को फायदा होना चाहिए, बाकी किसी को नुकसान होता रहे तो रहे. क्या देखो, अब सुनो, बायोटेक ने एक नोवल स्ट्रेटेजी निकाली. बायोटेक ने एक नोवल स्ट्रेटेजी, नोवल मतलब एक यूनिक, नई, नोवल स्ट्रेटेजी निकाली. नोवल स्ट्रेटेजी वॉज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट this infestation क्या था, निमेटोड का, which was based on the process of RNAi. अब ये RNAi क्या होता है, RNAi stands for RNA interference, बहुत important है, biotech में बहुत use होता है ये, अभी बताएंगे इसके बारे में, RNA interference. तो अब सुनो, बायोटेक ने एक तरीका निकाला जिससे इस निमेटोड से बचा जाए, वो तरीका का नाम था RNAi, RNA इंटरफेरेंस, नाम बोल रहा है RNAi. अब सुनो, इन्होंने क्या किया, बायोटेक ने करा क्या, एक भाई सपोज करो एक प्लांट था, ये टोबैको का प्लांट है,
रूट सिस्टम है। अब बायोटेक ने क्या काम किया, निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स लिए, निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स, ठीक है। निमेटोड क्या नाम था, निमेटोड जो उसको अटैक करी थी, नाम था मिलोइडिग्ने इनकॉग्निशिया। ये इसको इन्फेस्ट करती है टोबैको प्लांट को, ठीक है। अब यहाँ पे बायोटेक का पिक्चर है, बायोटेक ने क्या काम किया, बायोटेक ने निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स लिए, ये रे निमेटोड के पूरे जीन्स नहीं, उसके स्पेसिफिक जीन्स हैं, और इसको वेक्टर में डाला एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में। एग्रो टीआई प्लाज्मिड ले लिया, टीआई प्लाज्मिड तो जानते ही हो तुम, तो टीआई प्लाज्मिड लिया, ठीक है। इसके अंदर ये जीन है हमारा निमेटोड स्पेसिफिक, इसके अंदर ये जीन डाल दिया, ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इसको हम लोगों ने ये हमारा स्पेसिफिक डिजायर्ड जीन है, इसको हम लोगों ने ना इस वेक्टर को इस प्लांट में तंबाकू में डाल दिया, ठीक है, डाल दिया भाई। अब देखो क्या होगा, आरएनए आई कैसे चलेगी, ध्यान सुनेंगे। अब जब इसके अंदर डाला हमने, जब ये गया, तो जो हमारा डिजायर्ड जीन था, ये डिजायर जीन इस तरह ट्रांसक्राइब करता है, ये हमारा डिजायर जीन जो हमने डाला था इस वेक्टर के थ्रू, ये इस तरह ट्रांसक्राइब करता है कि इसके दोनों के दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। वैसे ट्रांसक्रिप्शन में आउट ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ओनली वन गेट ट्रांसक्राइब, याद करो, लेकिन यहाँ पर यस सर स्पेसिफिक होते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पर दोनों प्रमोटर यहाँ पे हम दोनों एंड पे लगा देते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही ट्रांसक्राइब करते हैं, तो जिसके कारण दो आरएनए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, एक सेंस आरएनए बनता है, एक एंटी सेंस आरएनए बनता है, तो उसको बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। समझेंगे, बहुत डिटेल में प्रोसेस है, लेकिन हमारे सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं दिया, हमें थोड़ा बहुत समझाएंगे जितना जरूरत होगी। तो अब क्या हुआ, देखो हम लोगों ने क्या काम किया था, निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स लिए थे, ये हमने लिए थे, ये डिजायर्ड है, बाहर से लिए स्पेसिफिक निमेटोड के स्पेसिफिक जीन्स, टीआई प्लाज्मिड में डाल दिया, टीआई प्लाज्मिड तुम्हें पता है हमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस से मिला। अब ये वेक्टर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया, किसके अंदर, टोबैको प्लांट के अंदर। तो जब ये इंट्रोड्यूस कराया, तो हमारा जो डिजायर्ड जीन इस तरह ट्रांसक्राइब एक्सप्रेस करता है कि एक सेंस आरएनए और एंटी सेंस डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेते हैं, ठीक है। अब प्लांट के अंदर ही कुछ एंजाइम्स होते हैं डाइसर नाम के, डाइसर एक्चुअली डाइसर कुछ नहीं है, ये आरएनएज हैं। ये क्या काम करते हैं, इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को ना छोटे छोटे में ऐसे तोड़ देंगे, इनको बोलते हैं SiRNA, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, ये शायद एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ, मॉड्यूल ने भी नहीं दिया हुआ, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, ठीक है, इनको बोलते हैं SiRNA, डाइसर प्लांट में होते हैं। अब क्या होता है, अब सुनो ध्यान से, इस SiRNA पे राइबो न्यूक्लियस अटैच कर दिए जाते हैं, और राइबो न्यूक्लियस क्या होते हैं, ये भी आरएनएज ही हैं, ये राइबो न्यूक्लियस अटैच कर दिए जाते हैं ओवर SiRNA, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, छोटे छोटे SiRNA, इनके ऊपर राइबो न्यूक्लियस ऐसे अटैच कर दिए जाते हैं, इनको बोलते हैं रिस्क बन गया, रिस्क, रिस्क का मतलब होता है आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये इनएक्टिव है। अब क्या होता है, ये जो डबल स्टैंडर्ड SiRNA है, ये अनवाइंड होकर सिंगल स्टैंडर्ड बनता है, एंजाइम्स ही करते हैं इनको, डबल स्टैंडर्ड SiRNA अनवाइंड्स, डबल स्टैंडर्ड SiRNA जब अनवाइंड करता है तो ये सिंगल स्टैंड ऐसे बन जाएगा, इन पे रिस्क राइबोन्यूक्लियेज़ तो है, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड रिस्क। अब ध्यान सुनेंगे, अब सपोज करो
इस वाले केस में जो मेलेग्नुना इनकॉग्निशा था आ गया और इसके प्लांट को टोबैको के प्लांट के रूट्स को इन्फेक्ट कर दिया, तो आ गया भाई इसको अटैक करने, लेकिन हमने इस टोबैको प्लांट को में ये सब प्रोसेस करा रखा है। अब सुनना ध्यान से, जब मेलेग्नुना इनकॉग्निशा आएगी, ये नेमेटोड आएगी, इसने टोबैको प्लांट के रूट्स में आ गई, ठीक है। अब इसने क्या काम किया, अपने जीन को, अपने डीएनए जो उसका खुद का डीएनए था, खुद ये डीएनए किसका है, नेमेटोड का, जब ये एक्सप्रेस करेगी तो एमआरएनए बनाएगी, एमआरएनए ऑफ नेमेटोड, एमआरएनए ऑफ नेमेटोड। तो ये मेलेग्नुना इनकॉग्निशा टोबैको प्लांट में आके ऐसा तो करेगी करेगी, अपना एक्सप्रेस कराएगी। अब लेकिन अब ध्यान से सुनना, हमारा यहाँ पे एक्टिवेटेड रिस्क था, जो यहाँ पर एक्टिवेटेड रिस्क था ना, ये आएगा और इसके नेमेटोड के एमआरएनए के ऊपर बाइंड कर जाएगा, क्योंकि ये जो छोटे छोटे आरएनए ना, इसके एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये एसआई आरएनए ना होते हैं ना, इसके एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और ये राइबोन्यूक्लियस जो इसके ऊपर है, ये क्या काम करेंगे, नेमेटोड के एमआरएनए का ऐसा हल कर देंगे, नेमेटोड का एमआरएनए ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन ऑफ नेमेटोड एमआरएनए। जब नेमेटोड का एमआरएनए ब्रेक डाउन हो गया तो क्या ये ट्रांसलेशन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ट्रांसलेशन ऑफ नेमेटोड एमआरएनए, नेमेटोड एमआरएनए स्टॉप्स। जब ट्रांसलेशन नहीं होगी तो क्या नेमेटोड जो प्रोटीन बनाना चाहती है बनेगी, नहीं बनेगी। तो नो प्रोटीन फॉर्मेशन अकर्स, जिसके वजह से हम बोलते हैं जीन साइलेंसिंग ऑफ नेमेटोड अकर्स। तो जीन साइलेंसिंग करा दी हमने, किसको यूज कर, आरएनए आई को यूज कर। तो एक बार दोबारा सुनेंगे जो समझाया मैंने, हम लोगों ने क्या किया भाई, दिक्कत थी मेलेग्नुना इनकॉग्निटा टोबैको प्लांट की रूट्स को इन्फेक्ट करके इसकी यील्ड को कम कर देती है, तो दिक्कत तो ये थी। चलो बायोटेक के पिच, बायोटेक ने क्या काम किया, एक नोवल स्ट्रेटजी अपनाई। वो नोवल स्ट्रेटजी क्या अपनाई, जिस उस उन्होंने क्या काम किया, इस नेमेटोड के इन्फेस्टेशन को रोका, किसके यूज कर, आरएनए आई को यूज कर। आई का मतलब यहाँ पे इंटरफेरेंस होता है, कैसे यूज किया देखेंगे भाई। दिक्कत थी मेलेग्नुना इनकॉग्निटा प्लांट को अफेक्ट कर रहा था टोबैको को, तो बायोटेक ने क्या किया, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स लिए, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स लिए। अब ये जो जीन्स लिए, डिजायर जीन इन्होंने टीआई प्लाज्मिड में लगा दिया ऐसे, और इसको इसमें टोबैको प्लांट में भेज दिया। जब टोबैको प्लांट में भेजा तो डिजायर जीन जो हमारा एक्सप्रेस करता है, इस तरह एक्सप्रेस करता है, ट्रांसक्राइब करता है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देता है, सेंस आरएनए और एंटी सेंस आरएनए। डाइसर एंजाइम प्लांट्स में होते हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को एसआई आरएनए में कन्वर्ट कर देंगे। इस एसआई आरएनए पे राइबोन्यूक्लियेजेस अटैच होते हैं, तो रिस्क बनता है, रिस्क एक्टिवेट हो जाता है। जब रिस्क एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, टोबैको प्लांट में जो मेलेग्नुना इनकॉग्निशा का एमआरएनए बना था, अब ये एमआरएनए हमारे लिए टॉक्सिन है, प्लांट के लिए बेकार है, खतरनाक है। तो ये जो हमारे रिस्क थे, रिस्क बाइंड कर गए, एक रिस्क बाइंड्स टू, रिस्क बाइंड्स टू, इनफैक्ट एक्टिवेटेड रिस्क, एक्टिवेटेड रिस्क बाइंड्स टू द नेमेटोड एमआरएनए, नेमेटोड के एमआरएनए पे बाइंड कर गया, जिसके कारण नेमेटोड के एमआरएनए को तोड़ दिया और उस नेमेटोड के जीन की साइलेंसिंग कर दी। तो ये जिसके कारण ये टोबैको प्लांट में अब नेमेटोड अगर आई भी गई, ये मेलेग्नुना इनकॉग्निशा आएगी तो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो अब ये प्लांट बिना हमने पेस्टिसाइड स्प्रे करे हुए इस टोबैको प्लांट को इस नेमेटोड के अगेंस्ट रेजिस्टेंट बना लिया, अब ये उसके इन्फेस्टेशन से बचा रहेगा। तो ये पूरा कंसेप्ट था आरएनए आई का इसके अंदर, नेमेटो टोबैको प्लांट के अंदर, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे तो पूछ सकते हैं। पहले किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। सर ये नेमेटोड स्पेसिफिक जीन कहाँ से है, ये किस जगह से लिया? हाँ, किसी ट्रांसपोजोन से, या कोई कोई ऐसा वायरस
या कोई जो डीएनए ट्रांसक्राइब करता है, आरएनए बनाता है, उससे कोई भी सोर्स हो सकता है। ये नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स का सोर्स कोई भी हो सकता है। ये यहाँ पर कोई वायरस का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, कोई ट्रांसपोजोन्स भी हो सकते हैं। ये हम यही पॉइंट में अभी आगे लिखना था, एनसीईआरटी का पॉइंट है, अभी लिखूंगा ये। अब सुनना जरा, कुछ पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी के हैं और हमें आने ही चाहिए, बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं, तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट, आरएनए आई टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब हम लोगों के अंदर भी होती है, इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स as a method of cellular defense. तो RNAi, अब देखो ऐसा कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया RNAi हर एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हो रही है, तो कुछ ऐसे यूकैरियोट्स होते हैं, कुछ ऐसे यूकैरियोटिक प्लांट्स हैं जिसमें मेलाडिग्न इनकॉग्निशन जाती है और उनको अफेक्ट नहीं करती उन प्लांट्स को, क्योंकि वो प्लांट्स RNA शो कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ना उन जो जीन्स लिए, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स की जो बात कर रहे हैं, वो उन प्लांट से ला सकते हैं, क्योंकि RNAi तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इनफैक्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होती है, इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। तो RNAi टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, एनसीईआरटी की लाइन है ये, और हम लोगों को आनी चाहिए ये, ठीक है, ये हम लोगों को आनी चाहिए। तो फिर हमें बाहर से डालने की क्या जरूरत पड़ी, खुद से दो। लेकिन उस टोबैको प्लांट में नहीं था, मैंने बोला हर एक यूकैरियोटिक में होती है, सबके स्पेसिफिक होती है। सपोज करो एक प्लांट है, इस प्लांट को तो है नेमेटोड मेलाडिग्न इनकॉग्निया के लिए अगेंस्ट, लेकिन टोबैको प्लांट को नहीं है, तो जिस प्लांट को है रेजिस्टेंट RNAi, तो उस प्लांट से ले लिया ना हमने जीन्स, तो टोबैको प्लांट को भी बना दिया। हो सकता है टोबैको प्लांट में किसी और इंसेक्ट के लिए हो, तो वो हम लेकर इसमें डाल सकते हैं। तो सबका स्पेसिफिक होता है RNAi। ओके सर। जैसे कुछ ऐसी बात है, सपोज करो भाई कुछ ऐसे कह सकते हैं भाई, सपोज करो दो इंडिविजुअल हैं, को पोलियो की वैक्सीन लगी है, को पोलियो की वैक्सीन नहीं लगी। जिसको पोलियो की वैक्सीन लगी तो उसके अंदर पोलियो के लिए एंटीबॉडीज होगी ना। अब फ्यूचर में अगर उसके में पोलियो का वायरस आ रहा है तो उसको तो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि एंटीबॉडीज पहले से हैं, डिफेंस है उसमें पहले से। लेकिन जिसमें नहीं है एंटीबॉडीज, उसको तो पोलियो वायरस अफेक्ट कर ही जाएगा। तो ऐसे प्लांट जिनमें RNAi पहले से हो रही है मेलाडिग्न इनकॉग्निशन के लिए, तो वो तो सही है, उनसे हम जीन्स निकाल लेंगे, और जिस समय को प्लांट में नहीं हो रही RNAi उनमें डाल दिया, ठीक है। तो RNAi टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सबको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इस मेथड में हम RNAi में करते क्या है, हमने अभी पढ़ा था, मैं लिख देता हूँ। इन दिस मेथड इन्वॉल्व, माइक ऑफ कर लेंगे, दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक mRNA, स्पेसिफिक mRNA जिसे नेमेटोड का mRNA था, ठीक है, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो हमने बनाया था, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है, बस यही है इसको। और mRNA को क्या कर दिया हमने, साइलेंट कर दिया, और नेमेटोड के mRNA को क्या कर दिया, साइलेंट कर दिया, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ, डेट बाइंड्स टू नेमेटोड mRNA एंड प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो ट्रांसलेशन को स्टॉप करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को या रेप्लिकेशन को, एंड प्रिवेंट्स जब mRNA टूटेगा तो ट्रांसलेशन को स्टॉप करेगा ना, प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन ऑफ mRNA, मतलब क्या कर दी, साइलेंसिंग कर दी, ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है द सोर्स of this complementary, the source of this complementary RNA, NCRT की लाइन है, the source of this complementary RNA could be
could be from an infection of virus. The source of this complementary RNA, मतलब ये जनरल बात कर रहा है, निमेटोड मेलाडिना के लिए नहीं बात कर रहा, किसी RNAi के लिए बात कर रहा है. The source of this complementary RNA could be from infection of virus having RNA genome और transposons. Transposons क्या होते हैं? Transposons होते हैं mobile genetic mobile jumping genes, exactly mobile genetic elements जो अपनी position change कर सकते हैं genome में, jumping genes बोल देते हैं. इनके बारे में हमारे syllabus में नहीं है detail में, ठीक है. That replicate via RNA intermediate. मतलब reverse transcription, RNA intermediate, ठीक है. ये बातें थी. तो हम लोगों ने करा कैसे था, RNA एक बार flow chart के form में कर लेते हैं. हमने desired gene था हमारा, nematode specific gene था, nematode specific gene को इंट्रोड्यूस कर दिया वेक्टर में, TI plasmid of agrobacterium. ठीक है, इन टबैको प्लांट डबल स्टैंडर्ड RNA फॉर्म्स सेंस और एंटीसेंस. दिस डबल स्टैंडर्ड RNA साइलेंस द निमेटोड mRNA. इसके से translation of nematode mRNA stops. तो जीन क्या हो गया, जीन हो गया साइलेंट. तो ये है RNAi का पूरा कंसेप्ट, ठीक है. RNAi है, ये शॉर्ट में लिख दिया. अच्छा एक चीज सुनेंगे, मैं एनसीईआरटी रीड करा रहा हूँ इसकी तुम लोगों को, तो एक बार देखेंगे. डबल स्ट्रैंडेड आरएनए थोड़ी ना करेगा, सिंगल स्ट्रैंड करता है ना उसको. तो वो बेटा एनसीईआरटी की लाइन लिखी मैंने, वो तो तुम्हें एग्जैक्टली बताया ना मैंने कि डबल स्टैंडर्ड के बाद रिस्क बनेगा, रिस्क के बाद एक्टिवेटेड रिस्क होगा. वो एनसीईआरटी नहीं बोलती, एनसीईआरटी में कुछ बस सिंपल ही लाइन लिखी हुई है, तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी की लाइन लिखी यहाँ पर. हमें तो आगे का प्रोसेस पता है ना, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या करता है, रिस्क बनाएगा, रिस्क के बाद रिस्क अनवाइंड होकर सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं तो एक्टिवेट होते हैं, वो हमें एक्चुअल में पता है. लेकिन एनसीईआरटी ने जो यूज किया वर्ड्स को, उसकी बात कर रहे हैं निमेटोड की. क्या बेटा मुकुल सर, उसे लग रहा था डबल स्टैंडर्ड आरएनए आप निमेटोड की बात कर रहे हो. अच्छा नहीं नहीं, निमेटोड का तो निमेटोड का तो सर कह रहे हैं, सी कह रहा था जो सर कह रहे थे अभी. अच्छा सुनो, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बेटा डिस्कस कर रहे थे हम, एक बार इसको एनसीईआरटी की लाइंस मेरे साथ रीड करेंगे, वो क्या कहती है. सेवरल नेमेटोड्स पैरासाइट अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स. इस पे क्वेश्चन आता है जो मैं तुम्हें बताया था पहले. अ नेमेटोड मेलाडिग्ना इनकॉग्निशा इन्फेक्ट्स द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स एंड कॉजेस अ ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड. हमने पढ़ा था कि प्लांट की रूट्स को अफेक्ट करता है, उसकी यील्ड घटा देता है. अ नोवल स्ट्रेटजी वाज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेस्टेशन व्हिच वाज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ RNAi. RNA takes place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense. Important line है. सब eukaryotic organism में होती है. This method involves silencing of a specific mRNA, जैसे nematode का mRNA था, due to complementary double-stranded RNA molecule that binds to and prevents the translation of mRNA. इन्होंने भी वही लिखा है ना, double-stranded RNA. Actually, SIR वो risk बनता है, वो नहीं लिखा. The source of this complementary RNA could be from infection from viruses having RNA genome or mobile genetic elements. ये जो हमने लिखी थी NCERT की लाइन वही है, ठीक है. Using agrobacterium vector, nematode-specific genes were introduced into the host plant. The introduction of DNA such that it produced both sense and antisense RNA in the host cells, जिसे plant था tobacco का. These two RNA being complemented to each other form a double-stranded RNA. हमने पढ़ा था. That initiated RNA either silenced the specific mRNA. They silence the specific RNA of the nematode. ठीक है,
नेमेटोड के स्पेसिफिक आरएनए को साइलेंट कर देती है, जो हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। द कॉन्सिक्वेंस वॉज दैट पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट, पैरासाइट उस होस्ट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक आरएनए आई, द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट, ट्रांसजेनिक प्लांट पैरासाइट से बच गया। तो इस पिक्चर में तो रूट्स ऑफ अ टिपिकल कंट्रोल प्लांट, देखो दो फिगर है ए और बी, ठीक है, ए और बी है। अब देखना फिगर में क्या बोलते हैं, होस्ट प्लांट जनरेटेड डबल स्ट्रैंड ट्रिगर्स प्रोडक्शन अगेंस्ट नेमेटोड इन्फेस्टेशन, ए रूट्स ऑफ अ टिपिकल कंट्रोल प्लांट्स, बी ट्रांसजेनिक प्लांट रूट्स 5 days आफ्टर डेलिबरेट इन्फेक्शन ऑफ नेमेटोड बट प्रोटेक्टेड थ्रू नोवल मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये कंट्रोल प्लांट है और मतलब इस फिगर में क्या हुआ है, रूट्स अच्छे से, रूट फाइबर सब अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ट्रांसजेनिक प्लांट को हमने प्रोटेक्ट कर रखा है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमारा जो हमने जो पढ़ा है यहाँ पर, हमने पूरा पेस्ट आरएनएआई कंप्लीट कर लिया है, आरएनएआई तुम लोगों को अच्छे से आ जाना चाहिए बेटा। तो आज हमने जो दो टॉपिक पढ़े, बीटी कॉटन और पेस्ट मेलाडोना इनकॉग्निटा आरएनए जीन साइलेंसिंग, वो सब में आना चाहिए। तुम लोगों को मैं बताता हूँ आरएनएआई अब रिसर्च में कहाँ यूज हो रहा है, ये जो बुक्स के बाहर की बातें, आरएनएआई आजकल एक टेक्निक है लेट 7 नाम की, कभी सर्च करना गूगल पे। तो कैंसर का ट्रीटमेंट, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है लेट 7 आरएनएआई के लिए। तो एक्चुअली ये न्यू रिसर्च टॉपिक है, इस पे रिसर्च चल रही है कि हम कैंसर जो हाई स्टेजेस में आ जाता है तो उसको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से ट्रीट करना मुश्किल पड़ जाता है। तो एक टेक्निक हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं आरएनएआई की, लेट 7 नाम की है, उससे हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर पाएंगे और हाई स्टेजेस का भी। तो इस पे रिसर्च चल रही है बेटा आरएनएआई पे, तो जो रिसर्च करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टॉपिक है आरएनएआई। तो मैं एक और बताता हूँ, जहाँ पे मैंने अपनी रिसर्च करी थी हैदराबाद में, तो वहाँ पे हमारी लैब ने क्या काम किया था, जो पोटैटो होते हैं ना पोटैटो, हमारी लैब का काम टोमेटो पे था वैसे, पोटैटो के जीन को हमने एक जीन था उसको साइलेंट किया था, जिसके कारण पोटैटो जो था वो स्वीट नहीं होता था, आलू मीठा हो जाता है, आलू मीठे में मार्केट वैल्यू नहीं होती इसकी। तो एक जीन था जो जीन रिस्पॉन्सिबल था फॉर द स्वीटिंग ऑफ दिस पोटैटो, उसके जीन को साइलेंट किया था, तो उसके जीन को साइलेंट कर लिया था तो वो जो पोटैटो था वो स्वीट नहीं होता था, उसका पेटेंट भी फाइल किया हुआ है। तो ये आरएनएआई की बहुत ज्यादा जगह इसका यूज होता है। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट हॉट टॉपिक है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए चल रहा है आरएनएआई। तो कभी फ्री टाइम हो तो उसको तुम गूगल पे सर्च करना, मिल जाएगा। तो आरएनएआई हमारे जो सिलेबस में है वो जीन साइलेंसिंग का मेथड है निमेटोड के लिए, जो हमने डिस्कस किया बेटा, और हमें यही पढ़ना है आरएनएआई निमेटोड के बारे में। बाकी जब तुम आगे हायर क्लासेस में या रिसर्च में जाओगे तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, बहुत ज्यादा डिटेल में है, ठीक है। तो इतना हमारे 12th स्टैंडर्ड में है नहीं, तो बेसिक बातें हमने पढ़ ली है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। तो अब जो हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है आगे, वो आगे ये है हमारा, इसमें मेडिसिन में दिया हुआ शायद, हाँ मेडिसिन वाला पॉइंट है। मेडिसिन पढ़ेंगे, जीन थेरेपी पढ़ेंगे, डायग्नोस्टिक्स पढ़ेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स खत्म, बायोस्पायरी छोटा छोटा चैप्टर हो जाएगा जल्दी। तो बेटा किसी को कुछ डाउट हो तो पूछे मुझसे।